10 फरवरी से 18 फरवरी तक चल रही श्रीराम कथा सुंदरकांड 9 दिवसीय सप्तचंडी महायज्ञ का समापन हुआ। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के सभी श्रद्धालु प्रमुखता से उपस्थित रहकर तन मन धन से सहयोग कर अपनी प्रमुखता दिखाई। यह कार्यक्रम चांदपुर देवस्थान परिसर में विट्ठल रुक्माई मंदिर के पास आयोजित किया गया था एवं विट्ठल रुक्माई मंदिर में सप्तचंडी यज्ञ आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पहले दिन से सेवा सांसद भंडारा गोंदिया सुनील मिंटे एवं शुभांगी मिंटे इनके ओर से की गई। विधायक राजू भाव कारीमोरे इन्होंने 9 दिन का डेकोरेशन की सेवा प्रदान की थी। भंडारा जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मथानी इन्होंने उपस्थित रहकर अपनी सेवा प्रदान की। भंडारा जिला परिषद सभापति रमेश पारती ये भी प्रमुखता से मौजूद रहे। पूर्व आमदार चरण भाव वाघमारी ये भी महाआरती में उपस्थित रहे। भाजपा नेता भंडारा जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष कल्याणी ताई भोरे एवं राजेश पुरी इन्होंने 9 दिन उपस्थित रहकर धर्म लाभ लिया एवं महायज्ञ में 9 दिन तक भाग लेकर धर्म लाभ अर्जित किया। तुमसर मोहाड़ी विधानसभा भाजपा प्रमुख प्रदीप पटोले इन्होंने समापन समय अपनी उपस्थिति दी। साथ ही मध्य प्रदेश खैरलांजी जिला पंचायत सदस्य मधुजी शुक्ला इन्होंने तन मन धन से उपस्थिति दी एवं आयोजित कार्यक्रम को सफल बनाने में इनका बड़ा योगदान रहा। जी, मैं मधु शुक्ला हूँ, खैरलांजी से जिला पंचायत सदस्य हूँ और यहाँ पे राम कथा जो 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन था उसी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी सहभागिता अदा करे हैं मध्य प्रदेश की तरफ से। और जैसा कि आप जानते हैं कि 10 फरवरी से यहाँ पे रामकथा चल रही थी और आज रामकथा का समापन हुआ है। बहुत बड़ा सप्तचंडी यज्ञ भी चल रहा था, उसके भी हम भागीदार रहे हैं और बाकायदा रोज सप्तचंडी यज्ञ में भी हम बैठते थे, हवन करते थे और आज भव्य संगीत में आज चांदपुर देवस्थान हनुमान जी की कृपा छाया से आज यहाँ महानुभूति शंकरानंद रामानंद जी इनकी सुंदर वाणी से हमारे पूरा सिहोरा क्षेत्र में आज प्रवचन का एक आयोजन हुआ। और ये आयोजन में 2 महीने से हम लोग लगातार इस सेवा में लगे थे और आज अच्छा अनुभूति हम सिहोरा क्षेत्र में जो मिली है कि आने वाले कल की पीढ़ी के लिए भी एक संबोधित था। एनबीसी न्यूज के लिए सिहोरा से रणधीर नेमा की रिपोर्ट।